नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। सर्वप्रथम हम अतिथियों का स्वागत करेंगे और इसके पहले कि मैं यहाँ की क्रिया चुनाव के बारे में बता देना चाहता हूँ। सर, ये आरपीएफ की ऑफिस मिली थी सर, आरपीएफ एसोसिएशन ऑफिस की, और सज्जन दामुका जी हुए हमारे सज्जन दामुका सर हैं, वासीना सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि 9 मार्च 2016 को हम लोगों ने एक छोटा सा शुरुआत किया था आरपीएफ और वासीना सेवा समिति ने मिलकर। हालांकि सर ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, बस भगवान बाबा वासीनाथ के नाम से हम लोगों ने उसका नामकरण कर दिया है और 8-10-20 लोग उस संरक्षक के तौर पर जुड़ गए हैं सर। तो हम लोगों ने 9 मार्च 2016 को ज्वाइंट आरपीएफ और मराठी समाज की तरफ से यहाँ पर खाना पिलाना शुरू किया था सर, और तब से लेकर के आज तक लगातार प्रत्येक दिन 200 लोग मुफ्त में भर पेट भोजन करते हैं सर। और हमारे कमान साहब का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत सारी सर बधाई भी आती है, तो बावजूद उनकी सर कृपा रही और सर उनकी कृपा रही कमान साहब ने दिया साहब ने कि आज तक ये सर बिना रुकावट के प्रोग्राम चल रहा है सर। मैं सर आपके एसोसिएशन का कुछ दिनों पहले तक सर रहा, एसोसिएशन अध्यक्ष रहा सर आसनसोल डिवीजन का, और आज सर प्रत्येक दिन मारवाड़ी समाज के लोग यहाँ आते हैं, आरपीएफ के सदस्य लोग आते हैं और आरपीएफ का अक्सर कार्य यही खाना पीना हो गया, साफ सफाई कर दिए सर हम लोग खड़े हैं। बाकी मारवाड़ी समाज से 18-20% संरक्षक के तौर पर आते हैं जो प्रत्येक दिन का यहाँ का खर्च उठाते हैं। एक दिन का खर्च हमें सर 2100 रुपये रखते हैं, छोटा सा अमाउंट है सर। और ऐसा हम लोगों ने प्रावधान रखा है कि अगर किन्हीं का बर्थडे हो, किन्हीं का बर्थडे व्यवस्थित हो या उसका या पुण्य तिथि हो सर, तो आप उस दिन अपने परिवारजनों के साथ में आकर के यहाँ सेलिब्रेट कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग सर अक्सर आते रहते हैं और उन्हीं की कृपा से उन्हीं का सर एक से सर एक प्रोग्राम दिन भर सब चल रहा है। आज भी हमारे बीच में एक माता जी बैठी हैं, संरक्षक हैं सर यहाँ पर, और आज इनके तरफ से सर एक अक्सर सर हम लोग कल्याण का कैंप लगाते हैं और उनके चश्मा भी वितरण करते हैं, कंबल भी मांगते हैं सर और प्रणाम करते हैं। यहाँ संरक्षक के तौर पर यहाँ सज्जन धूत जी हैं, सज्जन अग्रवालिया सर हैं, ये सुभाष से सर हम लोग से जुड़े रहे, और इधर सर जगदीश शर्मा जी यहाँ के प्रो काउंसिलर रह चुके हैं सर हमारी समाज से हैं। आप लोगों ये पता ही होगा कि रेलवे की जगह है और रेलवे ने एक बेहतर कार्य के लिए कि आप लोगों को जब तक खाना खिला रहे हैं तो हमेशा ही खड़े रहे हैं, पीछे का ये रहा है 3.5 साल आपका हो चुके हैं, ज़्यादा उसे हो जाए तो सबसे पहले शुक्रगुजार हम हमें होना चाहिए हमारे रेलवे के पदाधिकारी गण का, एक बार उनका प्रदान बात करते हैं। कमांडर साहब इधर होते हैं, पवन गुरुप्रिया जी मिश्रा चंद्रदेशी शर्मा जी, बाकी माता सारे साथियों मीडिया और सबको जो यहाँ पे आए हुए हैं सबको हमारे तरफ से बधाई और पूजा सामने में है, दुर्गा पूजा और माता जी का पूजा है, तो उनका भी जन्मदिन ये सभी एक एक सबको दे रहे हैं। और ये आप लोग जो काम कर रहे हैं ये रेलवे का लैंड है या रेलवे का लैंड नहीं भी हो, नहीं भी होने से भी आप लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। रेलवे का बैंक है इसका मतलब ये कितना ज़्यादा होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और
जो अच्छा काम करते हैं वो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग लास्ट 3.5 साल से आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्कंटिन्यू भी उसीलिए हुआ नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि इसको डिस्कंटिन्यू ना हो, हमारे तरफ से जितना पर्सनल कैपेसिटी में हो या ऑफिशियल कैपेसिटी में हो वो आपको हेल्प मिलेगा। ये मैं आपको सब बताऊँ कि आपको हेल्प मिलेगा, और इसमें हमारा पूरा टीम ऑफ ऑफिसर्स स्टाफ सब कुछ आपके साथ रहेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि अच्छा काम करने से आपको भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो 2 अक्टूबर जो है इस साल का 2 अक्टूबर मैंने गुरुदेव जी का भी मैंने बोला है कि जो आप लोग का कंट्रीब्यूशन रहता है वो कंट्रीब्यूशन हम दे देंगे। ऐसे दिन भी अच्छा है और मेरा वाइफ का भी बर्थडे है उसी दिन, तो उसके मैंने बोला किसी को दिन का जो है उसका जो है हमारे काम जो हमारे तरफ से होगा। तो ये कहते मैं सब लोग आप लोग ये काम आगे बढ़ेंगे, जो आप हमसे होता है वो हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। संस्था से जुड़े हुए श्री भुजिया जी, वरुण जी, महाराज जी, शर्मा जी और सभी उपस्थित सज्जनों, ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि कोई तो है जो ऐसे लोगों की सेवा करने लगा हुआ है जिनको कोई नहीं देखता है। नॉर्मली हम उनको उतारते हैं, उनको अपने पास नहीं रखने देते, उनका ध्यान नहीं भी रखता। ऐसे लोगों की सेवा में रखना, ऐसे लोगों की सेवा में रखना सबसे बहुत पुण्य का काम है। और हम मानव हैं, तो मानव होने का सबसे बड़ा काम यही है कि एक मनुष्य दूसरे के काम है। मेरे शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे काम करें। हमारे माता जी आप हम लोग देख रहे हैं 3 साल से आपके काम कर रहे हैं, पूछे काम करना चाहिए आपको, मन में ये बात कैसे है? 3 सालों से अच्छा हम लोग एक प्रोग्राम प्रत्येक दिन जारी रखते हैं। ये कंसेप्ट कैसा है, करना चाहिए गरीब के लिए इस सर्विस दौरान? सज्जन जालुका जी हुए अध्यक्ष, ये करीब 15 सालों से लगे हुए और प्रत्येक दिन वो जितना बन सकता है जहाँ कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं। तो बस इनसे ऐसा मिल करके लगा कि ये काम, जब इनमें इतना एनर्जी है तो हमें भी अपना एनर्जी को इस इनके साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और काफ़ी सुकून मिलता है कि जब यहाँ आप देखते हैं कि बिल्कुल ही बेबस लाचार लोग हैं। कितने लोग भोजन करते हैं प्रत्येक दिन? 200, 205, 10 हो गए कभी, और वही 200 के आसपास। अच्छा, आप तो आरपीएफ में काम करते हैं ना जी, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं समय को? बस आरपीएफ में काम करने से ऐसा तो नहीं है, वक्त तो मिल ही जाता है निकालने से, और इतना बेहतर कार्य है वो, तो 2-3 घंटे का टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। मैं और मेरे साथ भी और जवान साथी भी हैं, वो भी वक्त अपना इसमें किया था। उस वक्त कितने लोग के साथ था पास? हमारे पास भैया भगवान का साथ था उस टाइम, कारवा बनता गया, आदमी जुटते गए, बारात लग गई। कितने लोगों से स्टार्ट किया था पहला खाना जब आपने खिलाए थे, कितने लोग खाए थे उस वक्त? हम लोग को रूम में समझ लीजिए 50-40 आदमी खाए होंगे, बस ना हमको याद नहीं है पूरा बात, पर 50 आदमी कम से कम थे। धीरे धीरे भरते गए, बात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती गई। हम लोगों का हार्दिक इच्छा था 200-250 आदमी यहाँ कम से कम खाए, यहाँ अगर 500 भी आएंगे तो 500 का खिलाने का संस्था का व्यवस्था है। ये कहाँ के लोग आके खाना खाते हैं? ये यहीं के गरीब जो मजबूर लाचार लोग वो आते हैं, और कहाँ से आएंगे, आसनसोल के हैं, अगल बगल के होंगे, हम किसी से पता नहीं पूछते हैं। वो आप लोग से जुड़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस पुण्य काम में आपके साथ शामिल हो। हाँ, क्या सिस्टम है आपका? हम लोगों के यहाँ कोई भी जुड़ना चाहे
18 गो संरक्षक हमारे संस्था में रेडी है, 1300 संरक्षक का जगह खाली है, कोई भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। एक दिन का 2100 रुपया लगता है, महीने में एक बार उनको चार्ज मिलेगा। कोई भी भगत जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, कोई भी भगत अपना शादी ब्याह जीना मरना कोई भी प्रोग्राम करना चाहे कर सकता। आज ये डॉक्टर साहब की पत्नी का हम आभारी हैं जो इन्होंने 200 गरीबों का वस्त्र देने का ठेका उठाया, और हम लोग यहाँ पे वृद्धाश्रम में भी जाके सबको करते हैं। और हम लोगों का जिंदगी थोड़ा दिन का बोनस में जितना दिन भगवान दे दिया उतना दिन सेवा करना। सबसे जुड़े साथ हम दिन में सबसे गंदा था, पर जब से जुड़े हैं इन लोगों से इतना प्यार सुनने मिला है कि हमको सब गंदगी भूल गया, सबसे अच्छे समझ में आने लगे। बोलना चाहिए अच्छा काम है, मैं समझता हूँ क्योंकि आज हमारी सरकार भी यही कहती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि भाई आज हर आदमी को भरपेट खाना मिलना चाहिए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा एक सवाल है, और हम लोग उससे कोशिश करते हैं कि हमारे जितना भी हम लोगों से हो सके, हमारी ये टीम जो बासिना सेवा समिति की टीम है, हमारे जालुका जी हैं, हमारे भरूण सिंह जी हैं, इन लोगों ने मिलकर जो टीम बनाया वो वाकई में अब उनके साथ हमने जो रह के देखा है ये काम जो करते हैं वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो इनका जो करने का जो एक आइडिया है वो ये है कि भाई आज किसी का जन्मदिन हो, वो अपने जन्मदिन बनाना चाहता है, गरीब को खाना खिला के, तो वो बात बहुत ही अच्छी लगती है। किसी का अपना मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की पुण्यतिथि है, तो कोई ना कोई ओकेजन पर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उनके बहाने लोगों को खाना खिला सकते हैं, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। और आज DRM साहब ने और हमारे कमांडर साहब जो है, इन लोगों ने आकर हमारा मनोबल को काफ़ी बढ़ाया है। हमें रेलवे से हमें हमेशा सहयोग मिला है, इसके पहले भी हमारे DRM साहब मिश्रा साहब थे, उनका भी हमेशा हमें लोगों का आशीर्वाद मिला था। और सरकार साहब हमारे नए DRM साहब आए हैं, उनका भी जो है कहना है कि नहीं आप कोई काम हो अच्छा काम हो सब आपके साथ हैं, तो इससे हम लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा, आसनसोल वासियों के लिए क्या मैसेज है? देखिए ये दुर्गा पूजा हमारी जो ये पूजा आज है ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उत्सव है, हमारे बंगाल नहीं फूल बल्कि आज के दिन मैं बोलूँगा कि पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे देश से आज इसकी मान्यता है। तो इस बात को देखते हुए दुर्गा पूजा के इस अवसर पर मैं सबको अपने हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम दुर्गा पूजा इस रूप में मनाएं कि हमारी खुशी में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारी खुशी में दूसरों की खुशी में हमारी खुशी, हमारी खुशी में दूसरों की खुशी है। आज एक मुस्लिम का त्यौहार होता है उसमें भी हम रहते हैं साथ में, हमारे त्यौहार में मुस्लिम हमारे साथ रहते हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। और हमारी ये शिल्पांचल का सबसे बड़ा मैसेज है कि आज हम कोई भी त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, तो दुर्गा पूजा के लिए मैं सभी हमारे आसनसोल वासियों का मैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा, प्रेस मीडिया के समस्त लोगों का मेरा बहुत बड़ा मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरे पूछे तो मैं RPF से हूँ, सज्जन अग्रवाल जी चालुका जी और अध्यक्ष हो गए बाबू बासुकीनाथ सेवा समिति के, अच्छा ये डॉक्टर अजय नंदी जी हो गए, डॉक्टर अजय नंदी सर हैं, ये संरक्षक सदस्य में से एक हैं। उत्पला मुखोपाध्याय, डॉक्टर उत्पला मुखोपाध्याय हाँ बता रहे हैं उन्हीं का, उनकी ये इधर हो गए रोशन जी, यहाँ हो गए मुकेश अग्रवाल जी, शर्मा जी, मुन्ना अग्रवाल जी, श्याम बाबू सिंह और अवधेश जी हो गए, ये सारे के सारे लोग जो हो गए आपका टीम से शुरुआत से ही इस टीम से जुड़े हुए हैं। और बजाज जी, अनिल बजाज जी हो गए, सुरेश भोजड़िया, ये अपने टीम के सदस्य प्रत्येक दिन लगभग मतलब मिलते ही रहते हैं, जब भी आप आएंगे तो नजर आएंगे कोई ना कोई यहाँ पर है मौजूद, कुछ कर रहे हैं जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बस। थैंक यू।